हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल को गरम करने रख दिया है और ऑयल भी गरम हो चुका है। यहाँ पे हम अपना पनीर फ्राई करेंगे। यहाँ पे पनीर को डाल दिया है, हम हल्का इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। यहाँ पे हल्का फ्राई हो चुका है, अब हम पनीर को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे पनीर को बाहर निकाल लिया है, हल्का ही फ्राई किया है। अब हम ऑयल के अंदर शिमला मिर्च फ्राई करेंगे। ये मैंने शिमला मिर्च ली है, इसको काट लिया था। यहाँ पे मैंने प्याज ली है, जिसको मैंने 4 पीसेस में कट करके इसकी कली को अलग अलग कर दिया है। इसको भी साथ में फ्राई कर लेंगे। सॉफ्ट करना है हमें प्याज और शिमला मिर्च को। यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, अब हम इसे भी बाहर निकाल लेंगे। अब ऑयल के अंदर हम प्याज डालेंगे। ये मैंने 2 छोटी प्याज को काट के रखा था, वो इसमें डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए थे, 2-3 हरी मिर्चें, वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। हमें टमाटर, प्याज, हरी मिर्च को हल्का ही सॉफ्ट करना है। प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए, टमाटर सॉफ्ट हो जाए, फिर इसके बाद हम इसे भी बाहर निकाल के। यहाँ पे प्याज और टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं अच्छे से, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने टमाटर और प्याज को बाहर निकाल लिया है, अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद हम ग्राइंडर में इसको पीसेंगे। अब बनाते हैं कढ़ाई पनीर का मसाला। ये मैंने थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, ज़ीरा इसमें ऐड कर दूंगी। ज़ीरे को चटकने देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लाल मिर्च ली है साबुत और 2 तेज पत्ते लिए हैं, वो भी इसमें डाल देंगे। इसमें जाएगा अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट। लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, भुना हुआ जीरा पाउडर। अब हम इसको मिक्स करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि मसाला हमारा जले नहीं। अब हम इसमें डालेंगे अपना प्याज, हरी मिर्च, टमाटर का पेस्ट जो हमने पीस के रखा था, वो सब इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने पेस्ट अपना डाल दिया है, आप देख सकते हैं इसका कलर जो है चेंज हो चुका है मसाले का। इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे। ग्राइंडर में जो मसाला बचा था उसमें ही मैंने पानी ले लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे 5 मिनट हम अपने मसाले के साथ अच्छे से अपना मसाला पकाते हैं ताकि पानी भी पक जाए, फिर हम अब इसमें शिमला मिर्च, पनीर ऐड करेंगे। यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। और ये शिमला मिर्च, प्याज। अब हम सब्जी को
5-7 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद हमारी सब्ज़ी रेडी है कढ़ाई पनीर की। यहाँ पे हमारा कढ़ाई पनीर बन चुका है, रेडी है। अब इसको मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई पनीर को बाउल में निकाल लिया है, एकदम रेडी है खाने के लिए। आप देख सकते हैं काफ़ी टेस्टी बना है, यम्मी बना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।